नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 24 अगस्त को सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई है। दो पेपर लिए गए और दोनों ही जो पेपर रहे उसमें जो प्रश्नों का स्तर रहा काफ़ी टफ रहा। जो पेपर वन आया था यानी कि सुबह के समय जो परीक्षा ली गई थी उसमें जो प्रश्न पत्र रहा वो दूसरे जो सेकेंड मीटिंग की परीक्षा हुई थी उसकी अपेक्षा थोड़ा आसान माना जाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही जो क्वेश्चन पेपर रहे वो काफ़ी टफ रहे। और साथ ही साथ ये भी है कि क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ रहा तो निश्चित रूप से जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने की संभावना है। एक्सपर्ट तो बहुत ही कम कट ऑफ बता रहे हैं, आगे मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ मिल रही है उसके मुताबिक गणित, इतिहास और करेंट अफेयर के जो प्रश्न थे उसको भी हल करने में अभ्यर्थियों को पसीने छूट गए। शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। रही बात उपस्थिति की तो उपस्थिति भी ठीक ठाक रही है, 70-80% अभ्यर्थियों ने, मतलब कुल मिला के लगभग 7 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और भीड़ भाड़ जो रही वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 50,000 अभ्यर्थियों ने पटना के 38 केंद्रों पर परीक्षा दी है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि सिविल सेवा स्तर के प्रश्न पूछे गए, स्कैनर से जाँच के अलावा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की गई। कुछ लोगों की जो बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं हो पाई है उसके बारे में भी यहाँ पर अतुल प्रसाद जी जो कि चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर पता मतलब कि चलेगा कि जो दोनों पालियों की परीक्षा हुई सुबह और शाम की, उसमें पहले पाली का जो पेपर रहा था वो दूसरे पाली के पेपर से टफ रहा। पटना के 38 केंद्रों पर बहुत ज़्यादा उपस्थिति रही थी, मतलब सबसे ज़्यादा जो उपस्थिति दर्ज की गई वो पटना में ही दर्ज की गई है। और जो अभ्यर्थी हैं वो ये बता रहे हैं कि जो प्रश्नों का लेवल रहा था वो NCERT 9वीं 10वीं और ग्यारहवीं 12वीं के लेवल का रहा। पहली पाली में गणित और इतिहास से 22 प्रश्न, भूगोल से 12, विज्ञान से 26, अर्थशास्त्र से 2 और रीजनिंग से 8 सहित अलग अलग विषयों के सवाल पूछे गए। पहली पाली में अभ्यर्थियों को गणित और इतिहास के सवालों को हल करने में काफ़ी मुश्किल हुई। दूसरी पाली में गणित और रीजनिंग मिलाकर 25 प्रश्न थे। तो यहाँ पर जो सेकेंड मीटिंग का पेपर रहा वो पहली मीटिंग के पेपर से थोड़ा सा टफ माना जा रहा है। फिलहाल जो एक्सपर्ट हैं और जो कट ऑफ बता रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है वो 60-65% जा सकता है, ये ध्यान दीजिए आप लोग। OBC का जो कट ऑफ है वो 60% जा सकता है, मतलब कुल 120 अंकों की परीक्षा हुई है। और EBC पुरुष का जो कट ऑफ है वो 60% ही जा सकता है। सामान्य श्रेणी की महिलाओं का कट ऑफ 58, OBC का 50-55 और EBC का 48-52%, जबकि SC ST का जो कट ऑफ है वो 45-48 के बीच रहने की संभावना है। ये जो आंकड़े हैं ये प्रतिशत में हैं, एग्जैक्ट डेटा ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बना के दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, GS के जो प्रश्न पूछे गए थे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में RO/RO खंड शिक्षा अधिकारी या फिर LT ग्रेड वगैरह की, तो GS के ये प्रश्न उनकी भी हेल्प करेंगे क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर रहा था वो काफ़ी ठीक ठाक रहा था। दोनों ही जो क्वेश्चन पेपर हैं अपलोड कर दिए गए हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं UPSC और BPSC परीक्षाओं की। तो उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति 75-80% यानी कि बहुत ही ठीक ठाक उपस्थिति रही यहाँ पर। बहुत कम अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है परीक्षा छोड़ी है, लगभग 7.7 लाख अभ्यर्थियों ने पहले दिन परीक्षा दी है। हाँ, गलत पहचान देने वाले 23 इसमें पकड़े भी गए हैं, मतलब ये काम तो हर जगह होता है, तो ये भाई साहब लोग यहाँ कैसे छूट जाते। तो खैर, 23 अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की जानकारी मिली है, ये बात ट्वीट करके बताई है BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने। उन्होंने कहा कि 22 मामलों की जांच चल रही है, एक उम्मीदवार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑल ओवर जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल रहा वो टफ रहा, इसलिए कट ऑफ नीचे जाएगी। उपस्थिति भी लगभग ठीक ठाक रही है, हालांकि जो उम्मीद है वो ये है कि भाषा की परीक्षा में लगभग 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। और आयोग ने कहा है कि जो लोग अफवाह फैलाएंगे उन पर आयोग की विशेष नज़र रहेगी, उनको बैन किया जाएगा। आज सबसे ज़्यादा शिक्षक पर अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने वाले हैं। और फिलहाल है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मतलब खबर आ रही है कि परीक्षार्थी 696, OMR मिला 342, केंद्राधीक्षक जो थे वो घबराहट के मारे बेहोश हो गए। ये न्यूज़ मुजफ्फरपुर से है कि 696 अभ्यर्थियों पर जो OMR सीट आई वो 342 ही थी। पहली पाली में केंद्र पर OMR सीट कम होने से हड़कंप मच गया। नीतीश्वर कॉलेज केंद्र पर 15-20 मिनट पहले जानकारी मिलने पर सहायक केंद्राधीक्षक डर से बेहोश हो गए, उनका प्राथमिक उपचार हुआ। यहाँ जो परीक्षा हुई थी वो आधा घंटा देर तक चली। तो
देखते हैं कि मतलब इस प्रकार की घटनाएं भी कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन साहस साहस बनाए रखना चाहिए। अगर आप सही हैं तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड में फिलहाल प्रवेश चल रहे हैं उसमें एक बार जो डेट है वो फिर से बढ़ाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये शायद चौथी बार डेट एक्सटेंड हुई है, और इस बार जो डेट है वो बढ़ा के 31 अगस्त कर दी गई है। विज्ञप्ति इसके लिए जारी कर दी गई है। 24 अगस्त लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया गया है। और जो नई डेट्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। ऑनलाइन पंजीकरण जो है प्रारंभ होने की तिथि 31 अगस्त। अब देखो ये 31 अगस्त तक है, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। मतलब 31 अगस्त तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और शुल्क जो है 2 सितंबर तक आप जमा कर सकते हैं, 5 सितंबर तक आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप चाहें तो डीएलएड में एडमिशन के लिए updlet.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है, और ये विज्ञप्ति आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा, पढ़ लीजिएगा। और फिलहाल फ्रेंड्स बात करें अगर यहाँ पर एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी RO APS, तो जैसा कि आपको पता ही है कि APS के लिए 300 पदों पर जो विज्ञापन आने वाला है वो नेक्स्ट मंथ सितंबर में आने वाला है। आज 25 अगस्त है तो बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर में RO का विज्ञापन भी आ जाएगा। अब फिलहाल ये दो ही ऐसे जो है वैकेंसीज हैं जिसके लिए तय कर दिया गया है कि विज्ञापन कब आएगा। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी विज्ञापन जारी होने की संभावना है, जिसके लिए अभ्यर्थी अब तैयार हो रहे हैं। 1 महीने में 1 लाख नए OTR किए गए हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभ्यर्थी UPSC की किसी भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर OTR के करने वालों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ी है। और अभी हाल ही में स्टाफ नर्स परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके तहत स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भी विज्ञापन जारी किया है। फिलहाल जो ये दोनों पद हैं ये अलग अलग विशेषज्ञता के लिए हैं। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास अलग प्रकार की एलिजिबिलिटी, और सहायक नगर नियोजक के लिए भी नगर प्लानिंग वगैरह की जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। तो फिलहाल अभी आगे चल के जो भर्तियां होनी हैं उसमें बात करें तो RO भर्ती परीक्षा की ही बात करें, इसमें 5 लाख से 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है। ऐसे में विज्ञापन जारी होने तक OTR की संख्या जो है बढ़ के 6 लाख के करीब पहुंच सकती है। आयोग ने भी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन को लेकर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन फिलहाल अभ्यर्थी जो है वो तैयार हो रहे हैं OTR वगैरह करके, चलो जो वैकेंसी आएगी तभी करेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स पूर्वांचल विश्वविद्यालय की। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को नए VC के रूप में प्रोफेसर वंदना सिंह ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय की नई VC बनी है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, मतलब ये यूँ समझिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक या परास्नातक या पढ़ी लिखी ये तीसरी VC होंगी। इसके पहले जो एक आए थे प्रोफेसर राजा राम यादव, और एक और थे प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल, ये लोग भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ही स्टूडेंट थे, स्कॉलर थे। और अब प्रोफेसर वंदना सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की नई कुलपति नियुक्त हुई हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़े तो फिलहाल आज जो न्यूज है वो यहीं तक। करंट अफेयर के लिए अगर आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर आप लोग प्रतिदिन पढ़िए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। जो क्वेश्चन पूछे गए थे आज BPSC की परीक्षा में, जो लोग करंट अफेयर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं उनकी हालत बहुत ही खस्ता थी। करंट अफेयर अगर आप स्टूडेंट हैं तो रेगुलर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। PDF जरूर परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।